यो व्हाट्सअप गाइस, आई एम योर फ्रेंड जयदलोर जो आज मैंने देखा एक ऐसी सीरीज जिसके बारे में किसी को कोई परवाह नहीं है भाई, जिसके ऊपर जीरो हाइप है एकदम। और मजे की बात बताऊं, ये सीरीज और किसी की नहीं बल्कि मार्वल की है भाई। मार्वल की मूवीज के लिए जीरो हाइप, सोच के ही देखो कैसा लग रहा है। वेल, अब सच तो यही है कि यार डिज्नी प्लस के ऊपर आई एक नई सीरीज जिसका नाम है सीक्रेट इन्वेजन। उसके लिए आधे से ज़्यादा जनता के मन में कोई हाइप नहीं है, कोई शायद इसके बारे में बात भी नहीं कर रहा है। पर क्यों नहीं कर रहा, क्या है? बहुत ज़्यादा बेकार है या फिर लोगों से मिस हो गई है या फिर इसकी एडवर्टीजमेंट अच्छी नहीं हुई? इसके साथ क्या कुछ चीज़ें खराब है और क्या कुछ चीज़ सही, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले लेट्स हैव एन इंट्रो। ओके, तो भाई बहनों देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं डिज्नी प्लस के ऊपर आई हुई सीरीज द सीक्रेट इन्वेजन की कहानी के बारे में। यार सबसे पहले ना, भूल जाओ मार्वल कुछ है, भूल जाओ डिज्नी कुछ है, भूल जाओ आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, ये सब सुपर हीरो कुछ भी है, इन सबको हटाओ, एक नॉर्मल कहानी लेके चलो कि एलियन, एक ऐसे एलियन जो अपना रूप बदल सकते हैं, वो हमारी पृथ्वी के ऊपर आ गए हैं। और पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले तो वो बस मदद मांगने आए थे कि यार थोड़ी सी हमारी हेल्प कर दो, हमने हमारा प्लेनेट खो दिया है और अब हमें एक नए घर की ज़रूरत है, हमें नया घर दिलवा दो। और ऑब्वियसली एक पूरा का पूरा प्लेनेट, उसके ऊपर जितने भी लोग हैं वो उठ के अगर हमारे प्लेनेट पे आ जाएंगे तो हम ये तो नहीं कह सकते कि आ जाओ हमारे साथ रह लो। हम यही वादा कर सकते हैं कि ठीक है, हम आपको एक नया घर ढूंढवा के देंगे और ढूंढवाने में आपकी हेल्प करेंगे। ये वादा हमने उन एलियन से कर दिया। पर अब कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए जिसकी वजह से हम वो वादा पूरा नहीं कर पाए और अब एलियंस जो है वो गुस्सा हो चुके हैं और अब उनका मकसद ये है कि हमारी ही पृथ्वी के ऊपर काबू करके, इंसानियत का नाश करके, पूरी पृथ्वी के ऊपर बस वो एलियन ही रहे। देख रहे हो कितना ज़्यादा खतरनाक कॉन्सेप्ट है। और ख़तरनाक अगर मैं बनाना चाहूँ ना, तो भाई वो लोग, मैं जैसे कि मैंने बताया एलियंस रूप बदल सकते हैं अपना, तो भाई वो लोग हमारे अर्थ के ऊपर जो बड़ी बड़ी पोजीशन के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, जैसे कि यूएस का प्रेसिडेंट, हमारे इंडिया के मोदी जी, इन सबका रूप ले सकते हैं। और शायद इन्होंने अभी भी ले रखा होगा, किसी को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ये लोग जब रूप लेते हैं तो उस कैरेक्टर्स की सारी जो मेमोरी होती है उसको ग्रैब कर लेते हैं। मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये आपके साथी दोस्त को जान से मार के या फिर उसको बस कैद करके उसकी आइडेंटिटी चुरा के आपके साथ रहना शुरू कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब इतने ज़्यादा खतरनाक और इतने ज़्यादा डार्क कॉन्सेप्ट के ऊपर एक सीरीज आई है जिसका नाम है सीक्रेट इन्वेजन। कहीं से भी लगा कि मैं आपको मार्वल की मूवी दिखाना चाह रहा हूँ या मार्वल की सीरीज दिखा रहा हूँ? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर खतरा तो बहुत बड़ा है लेकिन सुपर हीरो कोई है ही नहीं। और यही बात जो है वो इस सीरीज को एक यूनिक सीरीज बनाती है। देखो, अब मैं बात करता हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस सबसे पहले तो इस सीरीज के लिए वही था जो आप सबका है कि यार हमें पता ही नहीं थी कि ये सीरीज कभी आ भी रही है। क्योंकि मेरा काम है इसलिए मेरे को खबर रखनी पड़ती है, तो मैंने इसका पहला एपिसोड देखा है। और डिज्नी प्लस के ऊपर हर हफ्ते एक एपिसोड इसका आया करेगा, जो कि मेरे को एक तो सबसे पहले ये बकचोदी पसंद ही नहीं है यार। इससे बढ़िया तो जियो सिनेमा कम से कम रोज तो निकालता है एक एपिसोड। खैर, अब क्या ही कर सकते हैं, सबकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। पहले एपिसोड के अंदर जो मैंने आपको कहानी अभी बताई, वही सारी कहानी इन्होंने बताई कि भाई वो जो एलियन है वो और कोई नहीं, वो स्कर्ल्स है और वो अपना रूप बदल सकते हैं। और निक फ्यूरी ने उनको वादा किया था कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा घर दिलाने में हेल्प करूंगा, पर क्योंकि थैनोस भाई साहब ने आके चुटकी बजा दी थी, उस चुटकी की वजह से हमारे निक फ्यूरी भाई साहब भी 5 साल के लिए वैनिश हो गए थे। तो भाई जब वो वापस आए तो अब वो पुराने निक फ्यूरी की तरह नहीं रहे और उनकी अंदर से फट चुकी है बहुत बुरी तरह से। और ऐसी हालत में वो स्कर्ल्स की हेल्प तो नहीं कर सकते, पर स्कर्ल्स क्या वो जीना छोड़ दे? नहीं, इसलिए वो अब चाह रहे हैं कि भाई पूरी पृथ्वी के ऊपर काबू कर लिया जाए। पहले एपिसोड के अंदर जिस तरह से चीज़ें दिखाई गई, मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बिल्डअप बन रहा था, 1 घंटे का एपिसोड था और कहीं भी मैं बोर नहीं हुआ। और ये बात भी हमें अच्छे तरीके से बताई गई कि किस तरह जो हमारे सुपर हीरोज़ हैं वो शायद इस सीरीज़ के अंदर नहीं आएंगे। इस सीरीज़ के अंदर होल एंड सोल जो सबसे बड़ा थ्रेट हो सकता है स्कर्ल्स के लिए, वो है हमारे निक फ्यूरी, जो कि खुद अभी एक पर्सनल दुविधा से गुजरे हैं। अब वो पर्सनल दुविधा किस लेवल की है वो आप सीरीज देखो और सीरीज देख के जानो। अब मैं बात कर लेता हूँ कि सीक्रेट इन्वेजन सीरीज किन लोगों के लिए। देखो यार, अगर आप मार्वल की कोई भी चीज़ नहीं छोड़ते ना, अगर आप मार्वल के स्पेशल तक भी देखते हो, तो यार इस सीरीज को डेफिनेटली देखो। अगर आप उन लोगों में से जो सोचते हो कि यार अब है ना मार्वल में दम नहीं रहा, मार्वल कुछ बढ़िया चीज़ निकाल नहीं रहा, तो
फिलहाल तो मैं ये कहूँगा कि यार अभी देखना शुरू कर दो, क्योंकि मेरे को पहला एपिसोड बहुत अच्छा लगा था और शायद आपको भी अच्छा लगने लग जाए। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो जो कि मार्वल्स की खाली मूवीज़ देखना पसंद करते हो, सीरीज़ देखना नहीं पसंद करते, तो यार मैं कहूँगा कि थोड़ा सा वेट कर लो, जब इसके सारे एपिसोड आ जाएंगे तो एक बार बिंज वॉच करके देखना। मुझे ऐसी फीलिंग है कि शायद ये एक अच्छी सीरीज़ हो सकती है। अगर आप मार्वल्स की पूरी चीज़ फॉलो नहीं भी करते तब भी आप इसको देख के समझ सकते हो। पर अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन कि भाई ये सीरीज़ अगर सच में अच्छी है तो इसके ऊपर चर्चा ही क्यों नहीं हो रही। तो यार देखो, पहली बात तो इसकी एडवर्टीजमेंट बेकार तरीके से हो रही है, क्योंकि कोई हो हल्ला ही नहीं है मार्केट के अंदर यार ऐसी कोई सीरीज़ भी है, ऐसा थोड़ी होता है। आदि पुरुष की भी इतनी एडवर्टीजमेंट हुई थी जो कि एकदम टट्टी चीज़ है, लेकिन इसका जो कि एक अच्छा माल है उसका तो एडवर्टीजमेंट होना चाहिए ना। और साथ ही साथ इसके आए हुए क्रिटिक्स के अर्ली रिव्यूज़, भाई और बहनों क्रिटिक्स ने इसको बहुत ही गंदी रेटिंग दी है, उनकी नज़रों में ये शो किसी काम का नहीं है, डिज़ास्टर है। लेकिन अब मैं एक मज़े की बात बताता हूँ, क्रिटिक्स ने है ना एकदम वर्ल्ड क्लास रेटिंग दी थी हमारी शी हल्क को, तो आप खुद समझ सकते हो कि क्रिटिक्स की कितनी ज़्यादा सुनी जा सकती है। वेल, ये था मेरा रिव्यू सीक्रेट इन्वेजन के पहले एपिसोड के लिए। भाई पहले एपिसोड का रिव्यू था ये, और पहले एपिसोड देख के मैं आपको खाली रिकमेंड कर रहा हूँ, ये मत सोचना कि मैं पूरी की पूरी सीरीज़ की तारीफ कर रहा हूँ। सीरीज़ कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद हम कंप्लीट रिव्यू भी निकालेंगे, लेकिन तब तक के लिए और कोई वीडियो तो नहीं आएगी, और तब तक के लिए आज की वीडियो भी समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द अगली किसी मूवी या वेब सीरीज रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।